नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। शूरवीर जम्मू संगठन द्वारा मुट्ठी से लेकर प्रेस क्लब जम्मू तक एक तिरंगा रैली निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा कारगिल में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की याद में निकाली गई। इस रैली की अध्यक्षता राजरूप सिंह और बलवीर सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए राजरूप सिंह ने कहा कि कारगिल में भारतीय सेना के 527 जवानों द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी गई। इस अवसर पर कई अन्य संगठनों द्वारा भी इस रैली को सफल बनाने में उनका साथ दिया गया। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। क्या कल 26 है, कल कारगिल विजय दिवस है, तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक आज तिरंगा यात्रा निकाली थी अपने भाइयों के, जो हमारे फौजी भाई उनके मान सम्मान के लिए। तो ये मुट्ठी से होकर के यहाँ तक तिरंगा यात्रा पहुंची है और हमारे बहुत से युवा इसमें शामिल थे, तो मैं उन युवाओं को भी अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ जिन युवाओं ने इस रैली में भाग लिया, और जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने हमारे लिए वहाँ पर कारगिल में आहुतियाँ दी हैं, तो उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी फैमिली को भी नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे उनकी फैमिली को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे बहादुर शहीद पैदा किए हैं जो पाकिस्तान को करारा जवाब देते हैं। और पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो जम्मू कश्मीर में कभी नहीं चलेगी, और जम्मू कश्मीर का जो डोगरा है इन्होंने अपने डुग्गर प्रदेश में यहाँ पर ऐसे उन्होंने योद्धा पैदा किए हैं और उनकी मानसिकता यहाँ हम लोग कभी भी चलने नहीं देंगे। और जो कारगिल के बाहर हीरो हैं उनको मेरी ओर से पनाह, उनको सलूट है, बार बार नमन है, और उनकी फैमिली को मेरी ओर से नमन है जिन्होंने यहाँ पर अपनी शादी करवाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जो कि 26 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन आज हम 25 तारीख को तो हम उस विषय पे जो हमारे फौजी भाई, हमारे पुलिस के भाई, सीआरपी के भाई और भी मिलिट्री पैरा फोर्स के भाई जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए, हमारी देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हम उनको नमन कर रहे हैं और उनको हमने नमन किया है। ये जो एंटी नेशन एलिमेंट्स हैं, हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं। हमारा ये उनसे जवाब है कि जो हमारे देश का खाते हैं उनको पाकिस्तान के खाते हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो, हिंदुस्तान एक है, उसमें हम सब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे मिलकर रहते हैं और ये एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते की तरह ही हम रहते हैं। और ये जो आपके मंसूबे हैं ये कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे हमको अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, हम तभी एकजुट होकर अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन जो देश को बांटने वाला काम है वो नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत।